अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगेन एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो गाइस, आज का गेम ऐसे लग रहा था कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितनी देर में हम लोगों ने लैंडिंग करी है, दो बंदे हमारे स्क्वाड के पहले ही टपक गए और जो तीसरा रहता था हमारे गन उठाने तक वो भी मर गया। इसके बाद मैंने इन लोगों को बोला कि भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, मैं ना सिर्फ तुम लोगों को रिवाइव करूंगा इस गेम में बल्कि सोलो डेयर लूंगा और भाई फुल रश करूंगा ताकि बंदे का रश के लिए आए तो उनको भाई पेला जाए। बाकी गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। अच्छा शॉट, और ये मरा नहीं, ये मेरे को थोड़ा सा उस टाइम पे ऑकवर्ड लगा कि इतने अच्छे हेड लगे बट मरा नहीं। भाई इस बंदे के पास पूरे चांसेस थे, अगर कार स्विच करके नहीं मारते तो इस बंदे ने मेरे को धो देना था इधर ही, बट हम लोग भाई प्रो नहीं अल्ट्रा प्रो है और हमारे साथ जो अल्ट्रा प्रो है वो तो सर्वाइवर है बहुत तगड़े वाला, तो वो भी सबसे पहले ही मर गए। तो यहाँ पे चेक करो भाई, आपका भाई सोलो डेयर पकड़ के फुली हार्ड रीजन लॉबी के अंदर किस तरीके से पेलता है, मजा आएगा भाई, एक दफा चेक करो, एंड तक देखना है, मिस नहीं करना गेम प्ले। ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने सोलो डेयर पकड़ लिया था और नंबर टू जो है ना इस बात पे नाराज हो गए थे कि आप दिल से रिवाइव क्यों नहीं करा रहे, आपने सोलो डेयर क्यों पकड़ा है, तो इस पे उसने गेम बैक कर दी। भाई ऐसे गधे भी टीममेट कभी कभी आ जाते हैं, बट कोई ना भाई, हम लोग तो अपना बेस्ट देंगे भाई। जब भी सोलो डेयर पकड़ा है 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि भाई अपना सोलो डेयर कंप्लीट होगा, और अगर कोई बंदा रश के लिए आएगा तो भाई उसको तो हम लोग बिल्कुल धोएंगे। अभी चेक करो भाई, सोलो डेयर थोड़ा सा हो गया और लॉबी की बात करें तो 30 से 34 बंदे अलाइव हैं। ग्रैंड मास्टर लॉबी तो गाइस ऑफकोर्स यहाँ पे बंदे बाकी रिवाइव होके आएंगे, अगर एक मरता है तो बाकी टीममेट्स मल्टीपल भाई चांसेस होते हैं उनके पास रिवाइव के। ओके भाई, DDBNL जिसको पहले हम लोगों ने मारा था, ये बंदा दोबारा आया था और यहाँ पे इसको नॉक कर दिया है, तो इसका किल मिल चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड देख रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था एक बंदा और भी है ऊपर की साइड, तो बाद में टीममेट ने बोला भाई वो बंदा उस साइड पे नहीं है जिस साइड पे आप देख रहे हो, बंदा उसी कमरे के ऊपर है जिस कमरे से आप आए हो, तो यहाँ पे मुझे वो बंदा नजर आ जाता है फाइनली। बट सोलो डेयर अभी भी रहता तो मैं पूरे चांस लेके नहीं खेल रहा था, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी भाई इस पे अंधा रश करता तो ज्यादा चांसेस थे कि ये बंदा मुझे मार देता, तो मैंने भाई पूरी ट्राई करी यहाँ पे अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की। बाकी चेक करो, बंदा आ गया, ऊपर से जोन अलग डैमेज देना शुरू हो गया था, ये मरेगा। फुल बॉडी स्प्रे, चलो फाइनली भाई स्कार इसको भी स्विच करके मारा है, तो तीसरा किल भी यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है। 31 बंदे अगर लॉबी की बात करें तो अलाइव है और अपने टीममेट्स दो रिवाइव हो चुके हैं। यहाँ पे अपने चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि अल्ट्रा प्रो जो के सर्वाइवर है अपने बहुत ज्यादा तगड़े वाले, तो वो रिवाइव हो गए थे, तो हमारा बनता था अगर हम एक या दो दफा मर भी जाते गेम में तो भाई वो हम लोगों को रिवाइव करा देते। बाकी गाइस, अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, क्योंकि 5K के बाद हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ लाइव के ऊपर भाई गेम खेलेंगे। अभी चेक करो भाई, उन बंदों का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो बंदे भाई रिवाइव होके दोबारा रिवेंज लेने आएंगे, ऐसा मैं सोच ही रहा था कि भाई एक बंदा लैंड करके आ भी जाता है इतनी देर में, तो एक नहीं था भाई दो है। ये चेक करो, फुल डैमेज जरूर पड़ा इसको। चलो अब गया भाई, यहाँ पे HP बहुत ज्यादा कम रह गई, स्किल मैंने यूज करी शायद थोड़ा सा HP मिल जाए, बट HP वहां से मिला नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया अल्ट्रा ने, उन्होंने यहाँ पे आके भाई स्किल छोड़ दी। वे चेक करो, वे काफी अच्छा मोमेंट था क्योंकि इस स्किल से जो डिमिट्री से आपको HP भी मिलती है, और हम लोग जोन से पहले थे, काफी टाइम से जोन के अंदर थे, और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता चलूं, अगर आप लोग जोन के अंदर थोड़ा ज्यादा देर वेट करते हो तो आप लोगों का जो डैमेज है ना जोन में वो बहुत ज्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे 4 किल जरूर डन थे, और एक मेरे को व्हाइट कलर की जो पट्टी है दिल के ऊपर वो शो हुई थी कि दिल के ऊपर एक चिमकांडी जो है ना वो रिवाइव कर रहा है, तो कोशिश करी कि इस चिमकांडी को सबसे पहले पकड़ा जाए और इसको धोया जाए। बट चेक करो यहाँ पे, ओहो स्कार के क्या रेड नंबर लगे हैं भाई रोमियो को, और रोमियो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, बट वही भाई दिमाग लगा रहा है बंदा मेरे आगे, खोपड़ी लगा रहा है, IQ डिमिट्री लगाई हुई थी भाई इस बंदे ने, बट कोई नहीं, इसको घंटा फायदा नहीं हुआ, और यहाँ पे हम लोगों को 5वां किल भी मिल जाता है भाई, यानी कि अभी एक ही जगह पे लैंड हुए शुरू में और वहीं पे भाई किल भी निकालने और टीममेट्स को रिवाइव पे करा दिया। यहाँ पे शहजाद भाई को एक बंदे ने नॉक करा था, तो मैंने ट्राई करी कि पहले इसको रिवाइव कर दे, और बंदा वही दिमाग लगा के राइट से आ रहा था। चेक करो, गया भाई, ये मुझे लग रहा था कि ग्रैंड मास्टर प्लेयर है हमजा एक्सानी, तो इसको भाई फिर से रेड नंबर मारे हैं, 6 किल यहाँ पे जरूर डन हो चुके थे और 21 बंदे यानी कि 21 बंदे अभी भी अलाइव थे। बाकी लॉन्च पैड मारा है, सीधा जोन में गए हैं भाई।
ओके गैस, यहाँ पे 6 किल जरूर डन है और 17 बंदे अभी भी अलाइव हैं इस साइड पे। अल्ट्रा यहाँ पे नॉक हो चुके हैं और जोन के साइड पे अभी भी बंदे थे। एक बंदा यहाँ पे है, चलो भाई हल्का सा डैमेज जरूर पड़ा है और जोन वाला बंदे आ गए हैं। ओ हो, मस्त हेड शॉट लगा था इस बंदे को भाई। ये क्या है, पत्थर के पास ही बंदा आ गया, तो इसको पकड़ते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, यहाँ पे एक बंदा था जिसको काफी हेड शॉट मारे थे हम लोगों ने, तो हम इसके साथ ही नॉक हो गए थे, लेकिन इंजेक्शन जरूर था जिसकी वजह से रिवाइव हो गए। और यहाँ पे टीममेट सारे नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं दोबारा से। एक और बंदे को काफी अच्छा बॉडी स्प्रे और व्हाइट टी शर्ट के काम देखो भाई, मेरा किल चोरी करने की ट्राई कर रहा था, तो इसको मारना बनता था क्योंकि भाई ऐसे बंदों को नहीं छोड़ते जो गलत बंदे से पंगा ले रहे होते हैं फ्री में फालतू में। गाड़ी की बेशक स्किल जरूर लगी है, बट छोड़ेंगे नहीं इसको, चेक करो अभी। अच्छा शॉट गया, मैंने जैसे कि पहले बोला है। और इसका नाम चेक कर लो, सबका बाप, ले भी तेरा भी बाप आ गया, मर गया भाई बेचारा। और इसके साथ 9वां किल भी डाउन हो चुका है, 5 बंदे अलाइव हैं और एक बंदा सस्ते नशे कर रहा था, वो चेक करो जरा, जिसको पहले मारा है ना वो रिवाइव होके फिर आ गया है। तो गया, ओके, इस बंदे ने गाइस भाई ड्रॉप के ऊपर लैंडिंग करी थी, पहले भी इस बंदे ने भाई हम लोगों को तगड़ा डैमेज दिया था, लोग एक साथ नॉक हो गए थे इसके साथ। लेकिन आप भाई ये दूर ही रहा और स्कार के हेड शॉट ही खाए इसने, बट इसके टीममेट तगड़े थे भाई, इसको जोन में जाके बार बार रिवाइव कर रहे थे। और अभी भी बात करें तो 4 से 5 बंदे अलाइव हैं। और ग्रीना ने एक अपडेट काफ़ी अच्छी दी है कि लास्ट जोन में आपका जो मैप है ना, आपको जूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद ही जूम हो जाता है। बाकी चेक करो, वो बंदा रिवाइव होके फिर से आ रहा है, बट डैमेज अच्छा पड़ा था इसको, हल्का सा बच गया ये बंदा। ओके, पागल M10 को यहाँ पे काफी अच्छा स्कार का शॉट और इसका टीममेट रिवाइव करने जा रहा है। लास्ट जोन बिल्कुल, एक बंदा राइट पे और आई थिंक 2 या 3 लेफ्ट पे है। ओके गाइस, उसका बंदा भाई ऊपर आ गया है। अच्छा हेड शॉट, और मुझे यहाँ पे लगा था 2 हेड शॉट लगे हैं, बट फेक डैमेज अगेन। ओके गाइस, यहाँ पे अपना जो गेम है ना फिनिश हो जाता है 10 किल के साथ। काफी अच्छा मैंने गेम खेला है अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ, बट टीममेट्स ने बिल्कुल भी भाई जिसको बोलते हैं साथ नहीं दिया। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, बाकी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।